नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Flipkart ऐप से बुक्स को कैसे खरीदते हैं, कैसे बुक्स को परचेज करें Flipkart ऐप से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए Flipkart ऐप्स को ओपन करते हैं। Flipkart ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको उस बुक का नेम डालना होगा जिस बुक को आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं उस बुक का नेम डालता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास 12 का बुक मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो क्लास 12 बुक यहाँ पे जैसे ही टाइप किए, नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लास 12 बुक। अब यहाँ पे आप उस बुक को देख लीजिएगा जिस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे बुक मिलेंगे क्लास 12 के लिए, मैं यहाँ पे इस बुक को परचेज करना चाहता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सिमिलर बुक दिखला रहा है, तो अगर आप इसे भी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप क्लिक कीजिएगा स्किप एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपकी एड्रेस आ जाती है, अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज और ऐड एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने एड्रेस में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर में, अगर ये ठीक है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आप फाइनली और लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं पेमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, UPI, क्रेडिट कार्ड और फिर अगर आप चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैश ऑन डिलीवरी और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको जो डिजिट दिखलाई दे रहा है वो डिजिट को एंटर करना होगा, तो यहाँ पे मैं उस डिजिट को डालता हूँ और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्फर्म ऑर्डर। दोस्तों अब ये बुक हमारी परचेज हो जाती है और उसकी डिटेल यहाँ पे शो होता है, मतलब कि देख रहे हैं कि ये डिलीवरी का डेट है, इस तारीख को ये बुक हमें मिलने वाला है। तो इस तरह से आप Flipkart में बड़े आसानी से अपने बुक को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।